हाय एवरीवन, कुक विद नूर में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है परवल के भरवे की। जो देखिए इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही चटपटा स्वाद वाला है, बहुत ही झटपट बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी रेसिपी मैंने इसे कैसे बनाया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने लिया है परवल, जिसे मैंने कट करके जिसे साफ़ कर लिया है और इसका स्किन मैंने छीला नहीं है, हल्का सा साफ़ किया है। एक बाउल मसूर दाल है, इसमें कुछ गरम मसाले हैं, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग है। मसाले में है हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, 1 टीस्पून नमक। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। क्योंकि कुकर गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ऑयल डाल के गर्म कर चुकी हूँ। तो इसमें गरम मसाला और तेज़पत्ता डालना है। प्याज मैंने फाइन चॉप किया है तो उसे डाल रही हूँ। अब देखिए प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मसाला जो मैंने ग्राइंड किया है वो डाल रही हूँ। ये सूखे मसाले हैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भून लेना है। मसाले में हमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे से भून लेना है। देखिए मसाला तेल छोड़ चुका है तो अच्छे से भून चुका है। दाल को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज हैं जिसे मैंने स्लाइस में कट किया है, उसे भी इसमें डाल करके भूनना है थोड़ा। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करके देखें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। इसे हमें थोड़ा सा पानी डाल करके और भूनना है। हमें 2 मिनट के लिए इसे भूनना है। देखिए दाल भी भून चुका है तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे हमें एक बाउल में थोड़ा निकालना है। देखिए इस तरह से है, 2 मिनट के लिए मैं इसे ठंडा होने के लिए रखती हूँ। देखिए ये परवल जो है जिसे मैंने कट लगा के रखा है तो अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। इस तरह से हमें फिल करना है। ये थोड़ा गर्म है तो इसलिए ध्यान से करें। सभी को मैं इसी तरह से कर ले रही हूँ। देखिए इसी तरह से है करना। देखिए मैंने इसे इसी तरह से रखा है। अब मैं इसी तरह से सबको कर लेती हूँ। देखिए ये सब फिल हो चुके हैं। सभी को हमें इसमें डाल देना है।
ये बचा हुआ है फिलिंग। देखिए इसमें हमें पानी ऐड करना है। थोड़ा पानी और ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसे लिड लगा के रखना है। एक विसल आने के बाद मैं 10 मिनट तक रखूँगी गैस का फ्लेम स्लो करके। देखिए इसका लुक कितना शानदार है, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व कर लिया है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।